सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। सो फिर आज के इस वीडियो में कुछ नए फ्लावरी सेगमेंट्स के परफ्यूम के बारे में जो है बात करेंगे। और ये हमारे पास आज का जो परफ्यूम होने वाला है जिसका हम रिव्यू करेंगे, ये है मैजेस्टिक्स। मैजेस्टिक्स बेसिकली एक फ्लावर नोट है, फ्लावरी सेगमेंट का ये एक परफ्यूम है। और इसके क्वालिटीज़ या फिर इसके बेस्ट परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, किस टाइप के नोट्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे, बेस, फ्लावरी, वुडी, फैंसी, स्पाइसी, जो भी नोट्स हों, इसके बारे में जो है बात करने की भी कोशिश करेंगे। और तो फटाक से वीडियो की करते हैं शुरुआत। और कुछ इस तरीके से आपको ये हमारा एक परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके जो ऊपर के कवर्स हैं इसको हम जो है रिमूव कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ से इसके जो पॉलीथिन्स के जो कवर लगे हुए हैं ये हमने यहाँ से हटा लिया, रिमूव कर लिया, इसे रखते हैं साइड में। कुछ इस तरीके से आपको ये बॉटल दिखेगा, जिस तरीके से मैंने आगे भी आपको बताया हुआ है कि ये जो हमारा होता है 500 ग्राम का बॉटल जो है होता है। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफिक्स इसके देखने को मिलेंगे और नीचे आपको नाम देखने को मिलेगा मैजेस्टिक। और बेस फ्लावरी नोट है ये। और किस किस तरीके की चीज़ें, गुड और बैड, क्या हमें देखने को मिलेगा आगे इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक लॉक लगा हुआ, ये भी हम निकाल लेते हैं। अब जो है इसका ऊपर का जो कवर है, कैप है, उसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हमारा जो है परफ्यूम हो गया, कैप्स हो गए रिमूव, और यहाँ से जो है परफ्यूम्स दिखना जो है स्टार्ट हो गया। और कुछ इस तरीके के बॉटल का शेप आपको देखने को मिलेगा, मिल्की शेप का ये हमारा बॉटल होता है। और फ्रेग्रेंस जो है, काफ़ी सारे परफ्यूम्स के मैं अभी तक रिव्यू करते आ रहा हूँ। और साथ साथ ये भी आप वीडियोज़ देख के बताइए कि जो हमारा रिव्यू बेस जो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं अभी के वीडियोस में जो कि आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या बदलाव किया जा सकता है। वैसे रिव्यूज़ मीन्स होता है परफ्यूम के जो बेसिक डिटेल्स हैं, बस इसी के बारे में अभी मैं चीज़ें बता रहा हूँ। पे ज़रूर आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस, परफ्यूम और एज ए रॉ मटेरियल से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल भी आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। आगे बात करते हैं। और जैसे कि आप जानते होंगे तो पट्रिकल टेस्ट पहले करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारे पास बीकर, और अभी ये ग्लास आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी फ्रेश है, साफ करके ही रखते हैं। जब भी जिस टाइप के भी परफ्यूम्स हमने यूज़ किया उसको क्लीन करके रख दिए, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिर ऐसे ऐसे यूज़ होते जाता है। तो ये क्लीन है पूरी तरीके से, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं परफ्यूम। तो इस बिकर में कुछ इस तरीके की आपको ये परफ्यूम देखने को मिलेगा, इतनी क्वांटिटीज हमारे लिए काफ़ी हैं। तो इसे रख लेते हैं हम साइड में। देखा यह गया है कि हमारा जो अगरबत्ती बिजनेस है और लोगों को जिस तरीके की जो फ्रेग्रेंस चाहिए होता है, खासकर मैं ये बोलूँ तो लोग धीरे धीरे फैंसी वुडी बेस परफ्यूम्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन फ्लावर का जो नोट है, मतलब जो फूलों की जो खुशबू होती है, वो उसकी पहचान अलग होती है। मतलब मैं क्या कहूँगा कि जो जितने सारे फ्लेवर के जो नोट्स के कैटेगरीज, उसे हम एक तरफ रख लेते हैं और एक तरफ रख लेते हैं फ्लावर के नोट। सो फिर सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला जो सेगमेंट है वो है फ्लावर नोट्स का। और फूलों में काफ़ी सारे फ्लावर के अलग अलग बेसिक आपने देखे होंगे, मोगरा एज अ रोज, लिली, लेवेंडर, चंपा, केवड़ा और काफ़ी सारे अनगिनत जो फ्लावर हैं उनके। और सबसे पहले इसके कुछ फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो फ्रेग्रेंस इसमें से मुझे देखने को मिल रहा है ये है बेसिकली थोड़ा सा स्पाइसी, जिसे फ्लावर बोलते हैं, मतलब
एक डायरेक्ट बेस टोन जिसका निकल के आता है, मतलब एग्जैक्ट टाइम में जिसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हाँ भाई इस टाइप के फ्लावर का नोट देखने को मिल रहा है। सो फ्लावर नोट इतना स्प्रेडिंग जिसे बोलते हैं, स्प्रेडिंग मीन्स फैलाव, तो फैलाव एग्जैक्ट टाइम में नहीं हो पाता क्योंकि फ्लावर का जो बेस इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा सा स्लोली स्लोली जब हम इसे जलाने के बाद 2-3 मिनट में इसका एहसास होने लगता है। तो ये फ्लावर नोट की एक खासियत है। चाहे आप किसी भी तरीके का फ्लावर नोट लो ले, कितने महंगे से महंगा आप ले लें, आपको चीजें वहीं मिलने वाली है। तो कुछ ऐसा ही इसमें भी देखने को मिलेगा, हालांकि थोड़ा सा यूनिक ये फ्लावर बेस में बोलूं तो यहाँ पे जैसे कि प्रिंट्स आप देख रहे हो तो थोड़ा सा गेंदे का जो फूल होता है उसका टचअप आपको देखने को मिलेगा, और हल्का मैं बोलूं तो रोज का हल्का सा इसमें से टच भी देखने को मिलेगा। एज अ रोज परफ्यूम्स, मतलब रोज के जो फ्लावर होते हैं उसका भी थोड़ा सा टच यहाँ पे इस फ्रेग्रेंस में, मैजेस्टिक्स में जो है देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो थोड़ा स्वीट है, मतलब मीठा ही आपको ये इसका फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगा, और स्पाइसी फ्लावर का जो बेस नोट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से इसके नोट्स हैं, काफी अच्छे ये मुझे लग रहे हैं, और जहां तक मैंने यूज किया, कस्टमर्स भी काफी सारे लेके यूज कर रहे हैं अभी के टाइम में, तो उनका कहना यही था कि मैं ये परफ्यूम्स जब ट्रायल हमने की थी और एज अ इससे के कुछ प्रोडक्ट बना के मार्केट्स में भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की थी, तो एक्यूरेट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तो बेटर हैं। ये चीज़ें तो कंफर्म है कि हमारा ये परफ्यूम्स बेस्ड परफॉर्मेंस करेगा ही। और इसके रेशियो की मैं बात करूं तो इसमें रेशियो बेसिक का 1:4:5 तक प्रीमियम क्वालिटी के लिए ब्लैक स्टिक है तो 4 का कवर करेगा, और व्हाइट कलर या फिर ब्राउनिश अगरबत्ती है तो 5 तक का ये कवर कर लेगा प्रीमियम क्वालिटी के लिए। कुछ इस तरीके से ये था हमारा मैजेस्टिक्स और बेस फ्लावर का एक अच्छा अनोखा खुशबू आपको देखने को मिलेगा, और फ्रेग्रेंस के नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिए। बाय द वे, आप कुछ प्रीमियम क्वालिटी के फ्लावर के नोट अगर आप ढूंढ रहे हो, कुछ यूनिक होना, कुछ अच्छा होना, कुछ अलग होना, तो आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। एक मिनिमम क्वांटिटीज लेके आप ट्राई कीजिए। बाय द वे, आपको ये परफ्यूम अच्छा लगता है तो आगे प्रोसेस करके भी बल्क या फिर जितना क्वांटिटीज ऑर्डर आपको लगती है आप ऑर्डर करके ट्राई कर सकते हैं। रिलेटेड किसी भी इंक्वायरीज के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आपको इस स्क्रीन्स में नंबर मिल जाएंगे, उसमें आप कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।